चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट को चेंज करना। मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। वो इसे हम टेक्निकली समझेंगे कि टेक्निकली ऐसा क्या होता है कि ये अपना स्टेट चेंज करते हैं। जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स आपने याद रखना है, देयर आर मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होती है। लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी मतलब उनकी जो मोशन होती है बहुत कम होती है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स आप याद रखो एक फिक्स्ड पोजीशन पर ही वाइब्रेट होते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है वो एक फिक्स होती है वहीं पर, जब बहुत स्लोली वाइब्रेट होते हैं। अगर हमने इसे लिक्विड में बदलना है, अगर सॉलिड को लिक्विड में हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि टेक्निकली ऐसा क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर को चेंज करने पर। जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है सॉलिड के, तो उसे हीट एनर्जी मिलती है। तो हीट एनर्जी आखिर क्या करती है? हीट एनर्जी, जो पार्टिकल मैं कह रहा था फिक्स्ड पोजीशन पर ही रहते हैं वहीं पर थोड़ा बहुत ये वाइब्रेट होते हैं, तो हीट एनर्जी मिलने पर वो फास्ट वाइब्रेट होंगे और उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एट मेल्टिंग पॉइंट, जो भी उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ देंगे। पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन और मूव होने के बाद ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट इनका अलग अलग होता है, अलग अलग सॉलिड का। जैसे आइस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा सॉलिड टू लिक्विड, जिसे हम कहते हैं, जिस प्रोसेस को मेल्टिंग। अब हम कर रहे हैं लिक्विड टू गैस। जो लिक्विड होता है देयर इज लिटल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज वीक देन सॉलिड, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले में कम होता है। अब समझते हैं टेक्निकली आखिर कैसे क्या होता है। अगर हम इसे हीट एनर्जी देंगे तो इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। याद रखो जब भी हम हीट एनर्जी देते हैं किसी को तो उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है लिक्विड के पार्टिकल्स में, मतलब मोशन में हो जाते हैं, और ये पार्टिकल्स सेपरेट होकर गैस में चेंज हो जाएंगे। अगर हम इसे हीट देंगे तो ये गैस में चेंज हो जाएंगे, इसके पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉयलिंग या फिर वेपोराइजेशन इसे हम कहते हैं, या बॉयलिंग। और सभी लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है जहाँ पर ये गैस में कन्वर्ट होती है। गैस टू लिक्विड कर रहे हैं अब हम। अगर हम गैस को ठंडा करें, कूल करें, तो टेक्निकली क्या होगा, लोस काइनेटिक एनर्जीज एंड स्लो डाउन, इसके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी कम होकर ये स्लो मूव करेंगे और मूव क्लोजर टुगेदर, ये धीरे धीरे पार्टिकल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, नज़दीक आने शुरू हो जाते हैं और अट्रैक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को ये पार्टिकल नज़दीक आकर अट्रैक्ट कर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। चेंजिंग गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस को लिक्विड करने की एक दूसरा मेथड भी है, क्या है, अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। अगर हम उसे कंप्रेस करें, जैसे हमने गैस के पार्टिकल्स लिए, उसे कंप्रेस किया और कूल किया, उसका टेम्परेचर कम कर दिया। कंप्रेस करने से क्या होगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में काफ़ी स्पेस होती है, अगर कंप्रेस करेंगे तो वो नज़दीक आ सकते हैं, सॉलिड के तो नहीं आ सकते लेकिन गैस के पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे। अगर उसे और कंप्रेस करेंगे तो इतना नज़दीक आ जाएंगे कि वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में कैसे बदला जाए। लिक्विड को सॉलिड में बदलने के लिए क्या है कि अगर हम उसे कूल्ड करेंगे और लोअरिंग टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो क्या होगा, इट्स पार्टिकल्स लॉस एनर्जी एंड मूव स्लोली, उसके पार्टिकल्स अपनी एनर्जी लॉस कर धीरे धीरे मूव करेंगे। और मोर कूलिंग, इट्स पार्टिकल स्टॉप मूविंग एंड वाइब्रेट फिक्स पोजीशन, ये फिक्स पोजीशन अपनी ले लेंगे और अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर ही वाइब्रेट करेंगे, आप देख रहे होंगे पिक्चर में, बिकम सॉलिड। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। दिस
कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं अगर उनको हीट किया जाए, उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो डायरेक्ट वेपर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर उन वेपर्स को, उन सॉलिड के वेपर्स को कूल किया जाए तो वह सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, वह लिक्विड में नहीं जाते, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इस तरह से हमने अब सभी मेथड कर लिए हैं, जैसे कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, गैस, सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग तरह से चेंज करना। सो थैंक्स फॉर